को लेकर तमाम बातें होती हैं, खासतौर पर मेक इन इंडिया कंसेप्ट के बाद। क्या मध्य प्रदेश में कौशल विकास को रोजगार से जोड़ा जा सकता है और क्या जोड़ा जा रहा है? इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार के तकनीकी और कौशल विकास मंत्री दीपक जोशी जी हमारे साथ मौजूद हैं। दीपक जी, सबसे बड़ी जरूरत है रोजगार। क्या तकनीक कौशल विकास को रोजगार के अवसरों से जोड़ा जा सकता है या जोड़ा जा रहा है? नहीं, जैसे आपने मेक इन इंडिया प्रधानमंत्री जी का जो नारा या सपना कह सकते हैं, उसके साथ उन्होंने स्किल डेवलपमेंट पर भी जोर दिया। आज हमारे साथ समस्या ये है कि जिन चीज़ों की हमें नौजवानों की आवश्यकता है, वो शायद हम ठीक से दे नहीं पा रहे, क्योंकि मध्य प्रदेश में जो बहुत बड़ा सेक्टर है वो सीमेंट का है, टेक्सटाइल का है, अपना ऑटोमोबाइल्स का है। लेकिन हमने देखा कि हमारी परंपरागत लैब काम कर रही, जिसमें हम दूसरे कोर्सेज को संचालन कर रहे हैं। तो ऐसे दृष्टिकोण में जब हमने अखिल भारतीय जो हमारी वर्कशॉप हुई थी, माननीय राजीव प्रताप रूडी जी जो केंद्र सरकार के मंत्री कौशल विकास के, उनके अध्यक्षता में उस मीटिंग में कुछ सरकारों के नुमाइंदों ने बताया कि हमने CSR फंड के माध्यम से कंपनियों से कहा कि आपको क्या इस प्रकार का स्किल चाहिए, उस प्रकार का स्किल हम प्रोवाइड करेंगे। अगर आप चाहें तो लेब अपनी फैक्ट्री में लगा लें, अपने स्थान पर लगा लें, और नहीं आपके पास जगह हो तो आप हमारे यहाँ पर लगा लें। इसके अलावा सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग जो है, माननीय थावरचंद जी गहलोत के मंत्री हैं, बहुत सहृदयता से उन्होंने भी कहा कि मैं अपने विभाग के माध्यम से, जिसमें कि SC ST घुमक्कड़ अलघुमक्कड़ OBC ये सारे लोग आ जाते हैं, इनको कौशल बनाने के लिए अगर आप कुछ करना चाहें तो विभाग के पास फंड की व्यवस्था है, हम आपको उसके लिए फंडिंग करेंगे। क्योंकि अभी ये चिन्हित नहीं हो पा रहे, पहले आपको याद होगा कि रोजगार संचालनालय के माध्यम से रोजगारों का पंजीयन होता था, लेकिन आज की तारीख में ऐसी कोई व्यवस्था हमारे पास नहीं। ITI करने के बाद बच्चा जो परंपरागत ट्रेड्स में उसमें चला जाता है। तो हमारा कहना है कि इनसे जुड़े हुए, सीमेंट से जुड़े हुए, ऑटोमोबाइल से जुड़े हुए, टेक्सटाइल से जुड़े हुए उद्योगों से हम बच्चों को कैसे जोड़ सके, इसके लिए हम बहुत बड़ी एक शीघ्र ही संभाग वाइज, खास करके इंदौर चूंकि हमारी व्यवसायिक राजधानी है, जबलपुर जो क्योंकि वहाँ आयुध का बहुत बड़ा सेक्टर है, इसके बाद सीमेंट की कटनी वटनी की माइनिंग माइनिंग का सेक्टर आया था, रीवा जो कि सीमेंट का बहुत बड़ा सेक्टर है, भोपाल हमारा मंडीजीपुर जिसके कारण से टेक्सटाइल के हब के नज़दीक हो जाता, तो ऐसे दृष्टिकोण में 4-5 संभागों में हम एक समिट टाइप या वर्कशॉप टाइप करना चाहते हैं, जहाँ इंडस्ट्रीस्ट होंगे, ट्रेडर्स होंगे, हमारे जो अच्छे छात्र होंगे पढ़े लिखे, हमारे शिक्षक साथी होंगे, हमारे विभाग के लोग होंगे, इसके अलावा आम जनप्रतिनिधि भी होंगे, ये सब मिलकर एक दिन भर मंथन करेंगे कि हमको जैसे युवा में सीमेंट सेक्टर में क्या करना चाहिए जी, या टेक्सटाइल सेक्टर में जैसे मंडी पीतमपुर भोरबा टेक्सटाइल का हवे, या खंडवा जिला खरगोन जिले में काफ़ी इंडस्ट्रीज है, तो इनसे जुड़े हुए बच्चे को हम कैसे तैयार करें जी, इस पर विषय में हम वर्कशॉप रखना चाहते हैं, और इस वर्कशॉप के माध्यम से हम पूरी कोशिश करेंगे कि मार्च में एक बड़ा ग्राउंड लेवल पर रिपोर्ट तैयार कर लें, और इस रिपोर्ट के माध्यम से हमारे नौजवानों को उस क्षेत्र में भेजने का प्रयास करें जिसकी की रिक्वायरमेंट। सर, ITI का पूरी तरह से कायाकल्प क्या हो नहीं सकता है कि नई जो मशीन है वो आ जाए, इंडस्ट्री की जो सबसे बेस्ट टैलेंट है वो जाके वहाँ पर ट्रेनिंग दे, कम से कम गेस्ट लेक्चर दें, और फिर उस पूरी रिक्वायरमेंट को कहीं ना कहीं रोजगार से जोड़ा जाए, ये काफी बड़ा इसमें बदलाव की आवश्यकता को नहीं लगती? नहीं, काफी व्यापक बदलाव की आवश्यकता है, ये बात निश्चित रूप से कि प्रचलित जो मशीनें हैं वो काफी पुरानी है, और इस आधुनिकरण के दौर में बड़ी तेजी से जब युग बदल रहा है, हमको उसको कम्पीट करने के लिए कहीं ना कहीं व्यवस्था अपने बच्चों को देना पड़ेगी। कल मैंने अपने वैष्णव पॉलिटेक्निक कॉलेज का निरीक्षण वहाँ पे एक कार्यक्रम में गया था, मैंने बच्चों से पूछा था, वहाँ टेक्सटाइल की मशीन तो है, बच्चे पूरी तरीके से तैयार भी ये काम करेंगे, लेकिन मशीन 35 साल पुरानी, अब हम 35 साल पुरानी मशीन पर बच्चे को अनुभव देंगे, जब वो सामने जाके फैक्ट्री में खड़ा होगा, फैक्ट्री वाला जो आधुनिक मशीन पे काम कर रहा है उसको बच्चे को पहले सेलेक्ट करेगा। तो ऐसे दृष्टिकोण में हमें लगता है कि हमारे प्रदेश के बच्चे कहीं ना कहीं पीछे हो रहे, उनको अग्रणी करने के लिए हम मशीनों का आधुनिकरण और आधुनिक लेब का इस्तेमाल करने का प्रयास कर रहे हैं, पूरी कोशिश होगी अगली बार हम ITI को आधुनिक लेब के साथ साथ उस ट्रेड में जिसकी रिक्वायरमेंट है उसको बढ़ावा देने का पूरा प्रयास। सर, अब तकनीकी शिक्षा मंत्री भी है, मध्य प्रदेश में कई तकनीकी कॉलेज यानी कि इंजीनियरिंग कॉलेज खुल तो गए हैं, लेकिन उनका जो स्तर है, जो क्वालिटी है, वो यहाँ पर मिल नहीं पाती, उस हिसाब से ट्रेनिंग नहीं मिल पाती बच्चों को, और सिर्फ डिग्री बांटने का एक जरिया बन गए, बड़े पैमाने पर धांधली होती है। तो इंजीनियरिंग की जो महत्वता है, जो डिग्री की जो महत्वता है, वो कहीं ना कहीं स्तर जो है मध्य प्रदेश के इंजीनियरिंग कॉलेज की वजह से गिरता जा रहा है। नहीं, गुणवत्ता सुधार के लिए एक हमने निर्णय लेने का प्रयास कर रहे हैं कि जिनकी सीटें कम भराएगी उन कॉलेजों को मैं ICT को अनुरोध करेंगे कि उन कॉलेजों को बंद कर दिया जाए। जब ये बंद हो जाएंगे तो जो सीटें कम वाले, जो अधिकतम सीटें वाले, लेकिन वहाँ भी 15% 10% सीटें भर जाती, सीटें जब भर जाएगी तो कहीं ना कहीं पढ़ाई का एक माहौल बनेगा और एक अच्छी व्यवस्था बनेगी, क्योंकि निजीकरण के दौर में प्राइवेट सेक्टर के काफ़ी लोग आ गए, बड़ी तेजी से उन्होंने निजीकरण को अपनाया,
उसके कारण से जो हमारी वैसे रिक्वायरमेंट 40-50 हज़ार इंडियंस की वो 100 लाख में पहुंची, इसके कारण से दिक्कत गारी और हमको लगता है गुणवत्ता सुधार की दृष्टि से ही कदम उठाना पड़ेगा और उठाएंगे। कोचिंग संस्थानों की अनापशना फीस से कई अभिभावकों की कमर टूट जाती है, लेकिन बच्चों की पढ़ाई का बोझ ऐसा है कि उसे उठाना ही पड़ता है, लेकिन क्या इस पर रोक लग पाएगी? नहीं, देखिए शिक्षा का जो अभी वैश्वीकरण हुआ बड़ी तेजी से, हम लोग भी शिक्षा के इसमें आगे बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन ऐसे दृष्टिकोण में कभी कभी ऐसा लगता है कि बच्चे के साथ साथ अभिभावकों का अनावश्यक दबाव होता है कि बच्चे बहुत अच्छे पढ़ सकते हैं। और ये देखने में आया कि जनरली 12वीं क्लास करने के बाद हर एक बच्चा कोई ना कोई क्लास को कोचिंग को जरूर अटेंड करता है। कोटा के परिदृश्य को देखने के बाद लगता है कि कहीं ना कहीं इनके कारण आत्महत्या का रेशियो भी जी और वो इसलिए बना कि दोहरी पढ़ाई करना पड़ती है बच्चे को, स्कूल की पढ़ाई तो करना पड़ती है लेकिन स्कूल की पढ़ाई के साथ कॉलेज की पढ़ाई तो करना पड़ती है, उसके साथ कोचिंग अलग अटेंड करना, सुबह से शाम तक उसका सिवाय पढ़ाई के अलावा कहीं ध्यान नहीं देता। जब ध्यान नहीं देता और उसके बाद उसका रिजल्ट खराब आता है या उसको लगता है कि कोचिंग में अनफिट है, कोचिंग के माहौल से अनफिट है, तो ऐसे दृष्टिकोण में डिप्रेशन में जाता है और जब वो डिप्रेशन में जाता है तो कहीं ना कहीं दिक्कत हो जाती है। और कोचिंग संस्थान के जो नामी गिरामी है उनके बारे में कहा जाता है कि वो पूरे टाइम पीरियड की, अगर 2 साल की कोचिंग है तो 2 साल की फीस लेंगे, 1 साल की कोचिंग है तो 1 साल की फीस लेंगे। अब जब फीस ले ली जाती है, बच्चा जब कहीं पिछड़ता है तो अभिभावकों का दबाव आता है, वो कहीं ना कहीं बच्चे के लिए दिक्कत होती है। तो हमने सरकार से आग्रह किया कि जैसे हमारे यहाँ पे निजी महाविद्यालय जो हमारे तकनीकी शिक्षा विभाग में और मेडिकल एजुकेशन में हमने एक फीस नियंत्रण के लिए विनियम आयोग बना रखा है, ऐसा एक आयोग बनाया जाए जिसके दायरे में सारे कोचिंग सेंटर्स को लाया जाए, कोचिंग सेंटर की कोचिंग की स्थिति को देखने के बाद उनके रिजल्ट के देखने के बाद उनके शुल्कों का निर्धारण किया जाए और शुल्क निर्धारण में ये व्यवस्था हो कि बच्चा अगर बीच में छोड़ के जा रहा है तो उसके पैसे वापस करने की व्यवस्था होना चाहिए, क्योंकि लाख लाख दो दो लाख रुपये जमा करने के बाद अगर वो पैसा उसको नहीं मिलता तो कहीं ना कहीं परिवार पे दिक्कत की स्थिति होती, तो पैसा कैसे उसको वापस पहुंच जाए ये इस नियंत्रण के दायरे में आना चाहिए। और इसके लिए हमने शासन को एक पत्र लिखा है और कोशिश करेंगे कि अगले सत्र में हम इसको लागू करें। इस सामाजिक समरसता को भी कहीं ना कहीं कोचिंग जो क्लासेज हैं वो खत्म करती जा रही हैं, जिन अभिभावकों के पास क्षमता नहीं होती इतनी भारी भरकम फीस भरने की वो नहीं भर पाते तो उन बच्चों के अंदर हीन भावना आती है, तो क्या इसका एकदम एक समानकरण किया जा सकेगा कि भाई इतने लेवल से ज्यादा फीस नहीं देंगे? हाँ, वही मैंने कहा ना आपसे, वही तो हमको करना है नियंत्रण करने के लिए, अभी क्योंकि ये खुले हैं, शासन का किसी प्रकार का नियंत्रण भी नहीं है, लेकिन हम चाहे तो उनको नियंत्रण के दायरे में, जैसे हमने निजी इंजीनियरिंग तकनीकी महाविद्यालय को लाया, ऐसे में इनको ला सकते हैं, इसको लाने का हमको प्रयास करना चाहिए और हम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जोशी जी, काफी बड़ा कदम यहाँ पर मध्य प्रदेश सरकार उठाने जा रही है और यहाँ पर दीपक जोशी जी यहाँ पर इनिशिएटिव ले रहे हैं, और अगर ये इनिशिएटिव कामयाब होता है तो कहना है कि जो कोचिंग क्लासेस का जो कल्चर है जिसकी वजह से तमाम अभिभावक और बच्चे भी उसकी जद में आए हुए हैं, उन्हें कहना कि राहत जरूरी है। कैमरा इकबाल के साथ आशुतोष, इंडिया फर्स्ट।